आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। कौन कौन? हम मियाँ बीवी विकलांग हैं, हमें एक लड़का है, 2 लड़कियाँ हैं। क्या दोनों की विकलांग पेंशन बनी हुई है? दोनों की बनी हुई है। अभी कब से नहीं मिली है? अभी 8-9 महीने हो गए। विकलांग पेंशन ना मिलने से क्या समस्या हो रही है? अब मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, इसलिए पेंशन रुकी हुई है, तो कोई खर्चा वर्चा नहीं चल रहा है। पेंशन नहीं मिलती है तो कोई खाने को भी तरस रहे हैं। यही है कि अब बच्ची पढ़ती है, इसलिए उसको काफी किताबें देना पड़ती हैं। आपके परिवार खर्च कैसे चलता है? हमारा साहब 1 एकड़ जमीन थी, उसमें हम जोते भी नहीं है, कुल 20 डिसमल जोते हैं, पेंशन से हमारा खर्चा चलता था। कब से पेंशन मिल रही है आपको? हमको 2000 से मिल रही है सर। 2000 में कितनी मिलती थी? 150 रुपया। आप कितनी मिलती है? 300 रुपया। 300 रुपये कब से मिलना शुरू हुआ है? 300 रुपये 2004 से। अभी कब से पेंशन नहीं मिली आपको? अभी 1 साल से पेंशन नहीं मिली है। पेंशन ना मिलने से क्या परेशानी हो रही है? खर्चा ही चलेगा, पेंशन नहीं आएगी तो कहाँ से खाएंगे? आप क्या चाहते हो? हम पेंशन चाहते हैं अपनी। ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छल्ला में कल्याण सहित 7 लोगों को पिछले 9 माह से विकलांग पेंशन नहीं मिल रही थी, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो के माध्यम से समुदाय को एकजुट करके बदलाव ला पाया हूँ। मेरी ये समस्या थी कि मैं विकलांग हूँ, मेरी पत्नी भी विकलांग है, मेरे 1 लड़का है, 2 लड़कियाँ हैं, उनका कोई हमारा कोई गुजारा नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे पेंशन नहीं मिल रही थी अभी। अब हमको पेंशन 15 दिन में मिल चुकी है। कैसे मिली? मेरे शंकरलाल ने मेरी वीडियोग्राफी बनाई, फिर उन्होंने मेरे को समाज कल्याण ऑफिस भी लगवा ले गए, वहाँ पर उन्होंने दरखास्त भी लगाई और हमारी पेंशन चालू हो चुकी है। अभी आपने कौन सा वीडियो देखा? वो विकलांग पेंशन के बारे में देखा। क्या देखा उसमें? उसमें पेंशन नहीं मिल रही थी। कब से नहीं मिल रही थी? 1 साल 1 वर्ष हो गया है। तो वीडियो देखकर आपकी क्या, आप लोगों की क्या प्लानिंग हुई? समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएंगे, DM साहब के पास जाएंगे। मैं श्री शंकरलाल जी से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियोग्राफी करके मेरी पेंशन दिलवा दी है। मैं बहुत उन पर बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर बढ़िया काम किया है उन्होंने मेरे लिए, मेरे अब बच्चे भी अच्छे पढ़ने जाएंगे, मेरा खर्चा भी चल जाएगा थोड़ा थोड़ा। मैं यह चाहता हूँ, मैं अपने वीडियो से ऐसी समस्या उठाता रहूं और समुदाय में बदलाव लाता रहूं। मैं शंकरलाल बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहेड के लिए।